नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं आरोग्य विभाग में निकली हुई भर्ती के बारे में। आरोग्य विभाग के द्वारा भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि आरोग्य विभाग में हो रही है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर भर्ती हो रही है और इस जॉब के संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हम करेंगे ही, पर उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा तो ही आपको अपडेट्स आएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे gvtjob.com के, जहाँ पर आपको डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर तो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 877 है। पे स्केल आपको 15,600 से 39,100 रुपीज प्रति माह तक मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा या डिग्री पास होना जरूरी है और इक्वलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 38 इयर्स है, यानी अधिकतम 38 इयर्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो आपको आपकी एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रिटर्न टेस्ट के द्वारा होगी और आपकी यहाँ पर इंटरव्यू भी ली जाएगी। एप्लीकेशन फी एज पर रूल्स है, तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी भरनी होगी। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 27 दिसंबर 2018 है। 27 दिसंबर से आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतम आपके पास 19 जनवरी 2019 यानी 19 जनवरी 2019 तक आपके पास टाइम है, तब तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और 19 जनवरी के बाद आपका आवेदन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, 19 जनवरी तक आपके पास टाइम है। और द डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस आरोग्य भवन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल कंपाउंड मुंबई के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है और बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है। तो यदि आप एलिजिबल हो या अप्लाई करना चाहते हो तो तुरंत अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जैसे आप इस डाउनलोड नाउ पर क्लिक करोगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है की जो PDF जारी की गई है ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि किस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट के भी बारे में जानकारी बताई गई है, अधिकतम 38 इयर्स के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन या एज रिलैक्सेशन यहाँ पर 5 साल का है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स या जो उम्मीदवार पहले ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अपर एज लिमिट 10 साल है, हैविंग एक्सपेक्टेशन और सुपर स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो उम्मीदवार स्पेशलिस्ट है उनके डिपार्टमेंट में या फील्ड में उनके लिए यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन कहा गया है। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है फॉर मेडिकल ऑफिसर, MBBS की पोस्ट है और स्पेशलिस्ट पोस्ट है, दो पोस्ट है यहाँ पर। और आपको जल्द से जल्द आवेदन करना है इस पोस्ट को यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, तो देर ना करेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी निकली है। वेतन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, यहाँ पर 5,400 का ग्रेड पे है और 15,600 से 39,100 रुपीज तक आपको यहाँ पर वेतन मिल रहा है। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, वेटेज ऑफ MBBS डिग्री, वेटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री होल्डर, तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में या जो आपके कोर्सेस होते हैं उनमें आपने कितने मार्क्स लाए होंगे उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, आपके यहाँ पर इंटरव्यू ली जाएगी। एप्लीकेशन फी यहाँ पर 500 रुपये है और 300 रुपये है OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही आप ये एप्लीकेशन फी पे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये भर्ती हो रही है, बहुत अच्छी भर्ती है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो तुरंत अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और आपके दोस्तों को जॉब के बारे में बताते रहिएगा। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।